प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं। जिले के मत्स्य पालकों की माने तो इस बार अचानक आई बाढ़ ने उन्हें बर्बाद कर दिया। देखते देखते वे अर्थ से फर्श पर आ गए। करोड़ों के नुकसान की भरपाई वो कैसे करेंगे? उनके सामने बस अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। इस मायूसी भरे अंधेरे के बीच उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान ने कि मत्स्य पालकों को भी नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। मत्स्य पालकों को उम्मीद की एक किरण जरूर दिख रही है और वे अब राहत पैकेज की राह देख रहे हैं कि सरकारी मदद मिले और वे जगह जगह से टूटे और डैमेज हो चुके तालाबों की मरम्मत कर अपना व्यवसाय फिर से शुरू करें। अब यहाँ पे तो हमारी 4-5 एकड़ की फार्मिंग है, बाकी डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर में है, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पे भी हमारा समझ लिया 1 करोड़ 1 लाख जो है बच्चे थे छोटे, और लगभग 50,000 बड़ी मछलियाँ थी जो बह गई। टोटल बताएं तो हमारा तो 4-5 करोड़ का नुकसान हुआ है, लेकिन यहाँ का तो हमारा समझ लीजिए हमारे सिद्धार्थनगर में जो ये है 2-3 एकड़ में है, 4 एकड़ में है। यहाँ पे तो हमारा लगभग समझ लीजिए 15 से 20 लाख रुपये का नुकसान। हम लोगों ने तो बंधों को काफ़ी ऊंचा कर लिया था पहले के मुकाबले में। 2017 में जो था उसे हम लोग 1.5-2 फीट ऊंचा किए हैं। उसके बाद भी जो है जाल वाल की तैयारी थी, लेकिन इस बार जो सैलाब आया है बिल्कुल समझ लीजिए हम लोग 5 दिन मौका मिला है और हम लोग तैयारी करके फिर ये सोचे कि अब ये जो है ख़त्म हो रहा है, फिर अचानक से आया है, तब हम लोग जाके समझ लीजिए कि नहीं बर्दाश्त नहीं वो कर पाए, पूरा इंतजाम नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में पिछले दिनों आई बाढ़ ने मत्स्य पालकों की कमर तोड़ दी है। एक अनुमान के मुताबिक सिद्धार्थनगर में मत्स्य पालन व्यवसाय को करीब 112 करोड़ का नुकसान हुआ है। सिद्धार्थनगर जिले के सबसे ज्यादा मत्स्य पालन करने वाले क्षेत्र अकरहरा में अकेले करीब 40 करोड़ के नुकसान की बात सामने आ रही है। इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मछली कारोबारियों को उनके नुकसान के मुआवजे के ऐलान के बाद कुछ भरपाई की उम्मीद व्यवसायियों को है। 4 एकड़ में फार्मिंग था, लगभग वही 50 से 60 लाख का नुकसान हुआ है। 1-1.5 लाख बच्चे थे, सब बह गए बाढ़ में। क्या क्या उम्मीद करते हैं सरकार से आप लोग? सरकार से यही उम्मीद है कि कुछ मिलना चाहिए हम लोगों को, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी तो जो अकरारा का जो एक वर्चुअल सर्वे हुआ है उसमें यहाँ पे 282 एकड़ है, तो लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है सिर्फ अकरारा ग्राम सभा में, और पूरे सिद्धार्थनगर का लगभग 120 करोड़ रुपए का लॉस दिख रहा है जो प्रथम दृष्टया ADF का सूचना है। मुख्यमंत्री यहाँ अपने दौरे पे भी आश्वासन दिए थे, DM साहब ने एक कमेटी गठित की है, DM साहब से कल मुलाकात हुई थी, ADF से भी बात हुई थी, तो एक कमेटी गठित की गई है जिसमें मत्स्य अधिकारी में रहेंगे और SDM की तरफ से भी कोई रहेगा और ब्लॉक से भी ये सर्वे करके कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। जिले में मत्स्य पालकों की बाढ़ की वजह से हुए इतने बड़े नुकसान के बारे में सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी संजीव रंजन कहते हैं कि जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि सिद्धार्थनगर जो जिले वाइज सबसे ज़्यादा मछली का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में करता है, लेकिन इस वक्त के बाढ़ का पानी इतना अधिक रहा कि लगभग सभी तालाबों में पानी जो है ओवरफ्लो किया, जबकि जो मछली उत्पादक लोग हैं किसान लोग हैं उन लोगों ने बहुत कोशिश की जाल इत्यादि लगाकर उसको रोकने का, लेकिन इतनी अधिक पानी की मात्रा थी और सब कुछ ओवर फ्लडेड हो गया था, तो मछलियां निश्चित रूप से इनकी जो है वो निकलकर नदियों के पानी में इत्यादि में समा गई और काफ़ी नुकसान हुआ इनका। तो इस संबंध में एक हम लोग इसका सर्वे कराएंगे और सर्वे करा के एक्चुअल क्षति का हम लोग आंकलन करेंगे। अभी जो क्लेमिटी रिलीफ फंड की जो नॉर्म्स हैं वो नॉर्म्स जो मछलियों का सीड फार्म है सीड फार्म के लिए अलाउ करता है कि उनको मुआवजा दिया जाए, तो सीड फार्म में जितने आएंगे उनको देने में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जो उत्पादक है, लोग हैं जिनके तालाब थे उन केस में हम लोग उसका आकलन करते हैं। आकलन करने के बाद शासन को इसका रिपोर्ट भेजेंगे और जैसा शासन के द्वारा निर्देश दिया जाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी।
बताते चले मौजूदा समय में सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मछली उत्पाद करने वाला जिला है। प्रदेश की 30% मछली की आपूर्ति सिद्धार्थनगर से होती है। सिद्धार्थनगर जिले में हर वर्ष बाढ़ दस्तक देता है। बाढ़ की वजह से हर वर्ष मछलियों का नुकसान भी व्यापारियों को होता है। नुकसान इतना कि कारोबार पे इसका खासा असर नहीं पड़ता है, लेकिन इस बार की बाढ़ ने पिछले 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मछली उत्पाद का गढ़ कहे जाने वाले क्षेत्र अकरहा गांव में सैकड़ों एकड़ में स्थित तालाब पूरी तरह पानी से डूब गए। तालाब के इलाके में करीब 5 फीट पानी ऊपर आ जाने से लाख जतन बावजूद बाढ़ प्रभावित इलाकों के तालाबों से 112 करोड़ की मछलियां देखते ही देखते निकलकर बाढ़ के साथ बह गईं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।